जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी कोई हमें पसंद होता है, तो उसकी सारी गलतियां उस पर झाड़ू पोछा लाइजोल डिटर्जेंट सब मार देते हैं, धो देते हैं। तेरा दिल जब कोई भी दुखाएगा, याद तुझको ये मेरा प्यार आएगा। दिल तोड़ के हंसते हो मेरा, वफाए मेरी याद करोगे हो दिल तोड़ के। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ऐसा ही है कि जब हम एक हमारा एक्सपीरियंस होता है, वी हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद आवर रिलेशनशिप, देन द क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रस्ट एनीवन एल्स। हम दोबारा से रिलेशनशिप में कैसे आए, और हमारा, क्योंकि जो पिछला रिलेशन था उसमें हमारा इतना बड़ा, इतना ज़्यादा हमारे साथ धोखा हुआ कि हमारा ट्रस्ट ब्रेक हुआ। हम लॉयल थे, हमने सब कुछ सही किया, हमने 100% से भी ज़्यादा एफर्ट्स दिए, बट स्टिल वहाँ पे हमें धोखा मिला। अब क्वेश्चंस दो अराइज होते हैं। पहली बात कि अब हम खुद को कैसे संभालें, ठीक, खुद को कैसे हम आगे बढ़ाएं और खुद को कैसे मोटिवेट करें, खुद को कैसे संवारें। दूसरा कि अब हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, हम किसी और पर ट्रस्ट कैसे करें, किसी दूसरे पर विश्वास कैसे करें। क्योंकि अगर जैसा हमारा पिछला एक्सपीरियंस था, ऐसे ही अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, किसी के साथ शादी करते हैं, या हमारा किसी के साथ रिलेशन बनता है, वो व्यक्ति भी हमारा भरोसा तोड़ेगा, तो अगर उसने भी हमारा ट्रस्ट ऐसे ही चूर चूर कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? तो क्या अब हमें ट्रस्ट नहीं करना है? तो क्या हमें आगे नहीं बढ़ना है? क्या अब हम दुनियादारी से बिल्कुल मुंह मोड़ लें? क्या करें? अकेले रहें? कैसे करें? क्या करें? और आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इस वीडियो को बहुत आराम से अच्छे से समझना। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ बात करनी है, तो इंस्टाग्राम पे @thesiddhantsharma पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू देयर। और अगर वीडियो का कोई टॉपिक होगा, मुझे लगेगा इस पे वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है, वो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो हम उस पे भी वीडियो बना देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आप ही का, क्योंकि आपने देखा होगा मैं कहीं और से कोई एग्जाम्पल नहीं लेता, आप ही की लाइफ से लेता हूँ। जब आप छोटे थे, राइट, अगर इसको आप कमेंट में हाँ या ना भी करो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, इसके बारे में कमेंट भी ज़रूर करना। जब आप छोटे थे, जब आप चलना सीख रहे थे, कई बार गिरे होंगे, राइट, फिर आपने धीरे और बड़े हुए तो साइकिल चलाना सीखा होगा, बाइक चलाना सीखा होगा, राइट। तो जब आप चल रहे थे, चलना सीख रहे थे, बाइक चलाना सीख रहे थे, गाड़ी चलाना सीख रहे थे, साइकिल चलाना सीख रहे थे, आप क्या एक बार भी गिरे थे या नहीं? ऑब्वियसली आप गिरे होंगे। तो क्या आपने फिर चलना बंद कर दिया? क्या आप जिंदगी में कभी आगे बढ़े ही नहीं? क्या आप चल नहीं पाते अब? क्या आप अब गाड़ी नहीं चलाते? क्या आप अब बाइक नहीं चलाते या साइकिल नहीं चलाते? क्या आप ऐसा करते हैं? मतलब आप जिंदगी में गिरे थे, ठोकरें खाई थी, और एक बार नहीं कई बार गिरे होंगे, राइट। तो क्या आपने सब कुछ बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया? द सिंपल आंसर इज नो। यू मूव्ड ऑन, आप आगे बढ़े, अच्छे से आगे बढ़े, राइट। तो यही हमें इसमें करना है। लेकिन जो कॉशन लेना है, जो ध्यान रखना है, वो ये, अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमको ये पता है कि सामने गड्ढा है, उसमें पैर डालेंगे तो गिर जाएंगे, राइट। अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हमें सामने वाले जो व्हीकल है, बाइक है या कुछ भी है, उससे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये हमें क्या है, अकल आई, एक्सपीरियंस आया। सिमिलरली हमको प्यार, आगे भाई आगे रिलेशनशिप बनाने हैं, आगे बढ़ना है, इन्वेस्ट करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, बिल्कुल अंधा प्यार नहीं करना, अंधविश्वास नहीं करना। विश्वास करना है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना। छोटी छोटी गलतियां जो दिखती हैं ना, उसको स्किप नहीं करना। हम गलती यही करते हैं सबसे ज़्यादा कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी कोई हमें पसंद होता है, तो उसकी सारी गलतियां उस पर झाड़ू पोछा लाइजोल डिटर्जेंट सब मार देते हैं, धो देते हैं, नहीं उसको मतलब समझने को कोशिश ही नहीं करते। और वही छोटी छोटी गलतियाँ एक धीरे 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 उसको एक लाइसेंस देती जाती है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू टेक स्टैंड, समझे। तो हमें क्या है, उसमें
गलत पे रिएक्ट करना है, समझाना है, स्टैंड लेना है। इससे क्या होगा, उन साइंस को समझना है, ऑब्जर्वेशन को करना है, एक्सपीरियंस को समझना है। अगर उस व्यक्ति के साथ आपके एक्सपीरियंस धीरे धीरे ठीक होते जाते हैं तो ऑब्वियसली ट्रस्ट बढ़ाते जाओ, राइट। अगर एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो वो व्यक्ति ट्रस्ट करने लायक नहीं है। दिस इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हमें अंधविश्वास नहीं करना और उनकी हर एक एक्सपीरियंस को, हर एक ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखना है और पिछले जो एक्सपीरियंस हुए हैं उससे एक लर्निंग लेनी है जो आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, रादर देन स्टॉप होने के या रुकने के। ठीक, तो यही मैं आज आपको इस वीडियो में समझाना चाहता था। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके उस तक शेयर कर देना जिसको इसकी ज़रूरत है। और हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें, स्टे हैप्पी, स्टे इंस्पायर्ड, और मेरी तरफ से प्यार भरा राधे राधे।